बच्चों, भेड़ियों की पंचायत खेलने के लिए नहीं है। तो क्या सारे मुद्दों पर बात हो गई है? नहीं अकेला, मुझे कुछ कहना है। अच्छा तो फिर कहो फियोना। इस इंसानी बच्चे को अपनी नस्ल के साथ रहना चाहिए। क्या? फियोना हमेशा मोगली पर उंगली उठाता है। इंसान होने की वजह से वो उसे भेड़ियों के झुंड में नहीं गिनता। तो हम उनके बीच कुछ नहीं बोल सकते? मोगली को इन्हीं भेड़ियों ने पाला पोसा है, हमें सभा में बोलने का कोई हक नहीं। पर अकेला, मैं अपनी नस्ल के साथ ही हूँ, मुझे भेड़ियों ने पाला है और मैं एक भेड़िया ही हूँ। तुम्हारे दांत आम भेड़ियों के मुकाबले छोटे हैं और ना ही तुम हम जैसा तेज भाग सकते हो। मैं किसी भी भेड़िये की तरह भाग सकता हूँ अकेला। ये मोगली भी ना, जब देखो तब जोश में आकर होश खो देता है। मैं तो कहता हूँ क्यों ना एक रेस हो जाए और जो जीतेगा उसकी बात मानोगे? ठीक है मोगली, पक्का तुम ये रेस लगाना चाहते हो? तो ठीक है, कल ये रेस की जाएगी इंसानों के पुराने रास्ते पर। इस खबर से तो शेर खान खुशी से मुझे आधा हिरन का शिकार दे देगा। मतलब आज भी आओ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तुझे भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी होगी। ठीक है, पर जाने से पहले तुमने जो कांटा मुझे चुबाया है उसे निकाल तो दो। जासूसी नहीं कर रहा था मैं, तो वैसे ऐसे ही गिर गया। मोगली, देखो मोगली, अब तुमने हड़बड़ी में रेसिंग की चुनौती दे ही दी है, तो क्यों ना आज का लेसन रेसिंग पर ही हो जाए। अब तुम मुझे रेसिंग का लेसन दोगे? अरे जंगल में मुझसे तेज और कोई नहीं भाग सकता, और तुमने तो मेरी छलांगी देखी है बलू। मोगली, तुमने उसे दौड़ने की रेस के लिए चैलेंज किया है, अगर बेलों का इस्तेमाल हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर वो मुझे निकाल देगा। ओ बलू, नहीं। पर सुनो, भले ही तुम बेलें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर फियोना तुमसे बड़ा है और तुम अपने छोटेपन का फायदा उठा सकते हो। गिरे पेड़ों के नीचे से गुलाटी खाना, तंग रास्तों में से आगे बढ़ना। और फिर उसने फियोना को रेस के लिए चुनौती दी। तबाकी, आज होगी उसकी तबाही। हाँ, रेस की शुरुआत होगी सभा के पत्थर से, फिर भेड़ियों की गुफा से होते हुए ठंडी गुफा पार करेंगे। ठीक है, पहले भेड़िये को डिनर बनाऊंगा, उसके बाद मीठे में बच्चे को खाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था सरकार, मैंने इतनी बड़ी खबर दी है तो इनाम में भेड़िये की टांग मिलेगी। बाद में सोच के बताऊंगा। अच्छा तो जनाब, फिलहाल आप मेरी पूंछ से एक कांटा निकाल सकते हैं। शुक्रिया सरकार। फियोना, हमें पता है तुम सबसे तेज हो, अब रेस करने की क्या जरूरत है? पर रेस का आइडिया तो मोगली का ही था, और अगर उसे पीछे हटना है तो वो हट सकता है, पर उसे रेस हारने की कीमत तो चुकानी ही होगी। और उसे इंसानों के पास वापस जाना होगा। आ गया हमारा रेसर। मुझे उम्मीद है तुम रेस की पूरी तैयारी करके आए होगे मोगली। हाँ, तैयार हूँ अकेला। यहाँ के दोस्तों को अलविदा कह दो मोगली, क्योंकि रेस के बाद तुम्हें इन्हें छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों को रास्ता तो पता है ना? नहीं बकीरा, ये फियोना और मोगली के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो बस उस पर नजर रखना चाहता हूँ ताकि उसे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। Ah!
इतना आसान भी नहीं है इंसानी बच्चे। थोड़ा कम खाया करो, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो फियोना। बहुत बढ़िया मोगली। देखो तो इंसानी बच्चा आया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो भी, कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। मुझे नहीं खेलना है। जीत तो मेरी ही होगी मोगली। हो गया दोस्तों, छोड़ो। जाने दो उसे। शुक्रिया बगीरा। बस वो आते ही होंगे शेर खान। अगर वो जल्दी नहीं आए तो तुझे बड़ी दिक्कत होगी टबाकी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। वो आ रहे हैं। टबाकी कभी गलत नहीं होता। देखो वो रहे। आओ फियोना, लंच टाइम पर पहुंचे हो। तो क्या बनाओगे आज तुम? शेर खान मुझे छोड़ दो, मुझसे लजीज चीज आने वाली है, वो इंसानी बच्चा। जानता हूँ, उससे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे तो हजम कर लूं। मोगली भागो, अच्छा मौका है, शेर खान ने फियोना को पकड़ रखा है। वही तो, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। भले वो मुझसे नफरत करे, पर है तो मेरा भाई ही। शेर खान, भागो फियोना। ये मीठा तो बड़ा कड़वा। इसका मतलब आज की ये रेस फियोना जीत गया। हाँ, और अब मैं अपना इनाम लेना चाहता हूँ। मोगली, आज के बाद तुम भेड़िये नहीं हो, जंगल छोड़ के चले जाओ और इंसानों के साथ रहो। चलता हूँ रक्षा। अलविदा बाला, ख्याल रखना लाली, याद करना मुझे। बघीरा जरा इन्हें बताओ आखिर हुआ क्या था। फियोना, मोगली ने तुम्हें शेर खान से बचाया और तुम उसका बदला ऐसे ले रहे हो। बघीरा क्या कह रहा है फियोना? ठंडी गुफा के पास शेर खान ने फियोना पर हमला किया, मैंने खुद देखा, और अगर मोगली ने मदद नहीं की होती तो फियोना अभी शेर खान के पेट में होता। हाँ? फियोना, क्या बघीरा की बात में सच्चाई है? ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे झुंड में तुम जैसा सदस्य है। पर अकेला मैं। खामोश फियोना, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रही बात तुम्हारी मोगली, तुम फियोना को उसके हाल पर छोड़कर ये रेस जीत सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने एक साथी की मदद की और सच्चे भेड़िये होने का फर्ज निभाया। तो इसका मतलब है? हाँ, ठीक समझे। क्योंकि मेरे सिर पर खून सवार है बरखुरदार। ओपनी फूड। बलू, ये क्या कर रहे हो? वार्म अप कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें भी अपना स्टैमिना दिखा ही दूं। क्या कहा? जल्दी आओ मोगली, और तेज। ये क्या कर रहे हो मोगली? हिलना मत।
शायद वो कहीं पीछे छूट गया बघीरा। मेरे पीछे बैठो, जल्दी मुझे कस के पकड़ना। बहुत मेहनत कर ली, थक गए होगे, अब मैं उसे खा के आता हूँ। मोगली, शेर खान ने सच में उसे खाने की बात कही? ऐसे मौके पे भी उसका दिल नहीं पिघला? अगर मैं वहाँ होता तो उस शेर खान को खाई में फेंक देता। रिक्की सही कह रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, गलती मेरी है, मैंने मोगली की हिफाजत की कसम खाई थी। मैंने नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस शेर खान की है। आज हमने अपना खास दोस्त खोया है तो उस शेर खान की वजह से। बाल बाल बचा। इंसानी बच्चा? अरे नहीं, वो नहीं हो सकता। शेर खान ने कहा था कि वो जिंदा नहीं बचा। इसका मतलब वो उसका भूत है। अरे ये तो लाली के रोने की आवाज है, पर वो रो क्यों रही है? ओ लाली, अब चुप हो जाओ, इससे मोगली वापस नहीं आने वाला। बाला सही कह रहा है लाली, मोगली जिंदा नहीं बचा। क्या? और हमें उसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये भी ना, पर अभी वो मुझे देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? अरे नहीं, एक इंसानी बच्चे के लिए इतना गम? अरे लानत है तुम जैसे जंगली जानवरों पर। शेर खान, जो भी तुमने कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कहा था ना, इंसानी बच्चे का नामो निशान मिटा दूंगा, जो मैंने कर दिया। अब समझ लो, इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। शेर खान, बचाओ, बचाओ। वो भूत बन गया, वो मेरे पीछे था, मोगली भूत बनकर वापस आया है। कहीं किस क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने मोगली का भूत देखा, वो हमें डराने वापस आया है। बिल्कुल बकवास, मैंने उस इंसानी बच्चे को हमेशा के लिए खत्म किया है और इस बात के लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मोगली का भूत? थोड़ा सा इंतजार करो शेर खान, मोगली का ये भूत तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम सबसे माफी मांगते फिरोगे। यकीन करो शेर खान, मैंने कहा ना भूत आया है मोगली का। आज के जमाने में भी भूत की बात करता है? मत भूल के ये 21वीं सदी है तबाह की। मैं तुमसे बदला लूंगा। ये वही है। कौन है वहाँ, सामने क्यों नहीं आता? तुम जानते हो मैं कौन हूँ शेर खान, तुमने ही तो मुझे मारा है। इंसानी बच्चा, ये नहीं हो सकता। अब तो यकीन हुआ ना मुझ पर, कहा था ना वो भूत बन गया है। मोगली के भूत, प्लीज मुझे मत खाना, मैं तो नन्ना सा मुन्ना सा। सफा हो जा यहाँ से, मैंने कहा ना इस जंगल की दुनिया में कोई भूत भूत होता जरूर होता है। शेर खान, तूने मेरे दोस्तों को दुख दिया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम्हें सबसे अपने किए की माफी मांगनी होगी शेर खान। मोगली, तुम
जिंदा हो? ओ, यकीन नहीं होता, मैं सबको बताती हूँ। नहीं ताजी, नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। सच में? पर तुम तो मुझे अच्छे भले दिखते हो। नहीं, मैं मोगली का भूत हूँ और मैं इस वक्त किसी को डराने में बिजी हूँ, जाओ ना। ऐसी बात है, माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, बाद में मिलते हैं मोगली के भूत। यकीनन ये सब उस बलू के बच्चे की चाल है। पक्का कह रहे हो? क्योंकि एक बार उस बुरी आत्मा ने तुम पर असर दिखाया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे शेरखान। सही कह रहा है, मैं कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगते। तुम छुपे कहाँ हो, सामने क्यों नहीं आते? मैं यहाँ हूँ। कभी भला ना हो उस शेर का। बलू, तुम्हें ऐसे वक्त में भूख कैसे लग सकती है? मैं जब दुखी होता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। दोस्तों, पता है मैंने अभी किसे देखा? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैंने उसे देखा, मोगली को। क्या कह रही हो? वो मोगली नहीं, दूसरे मोगली को, उसके भूत को। तबाकी जैसी बातें मत करो डार्जी। डार्जी, मुझे बता सकती हो तुमने इस भूत को कहाँ देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। तो अभी इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो भूत कहीं के, पर उसके बाद मुझे शांति से जीने देना। ठीक है, पर पहले तुम्हें सभी जानवरों से माफी मांगनी होगी। हाँ, मांग लूंगा। तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम? जाओ और माफी मांगो। हाँ ठीक है, पर मैं सभी को वहाँ बुलाना चाहता हूँ जहाँ मैं तुम गिरे थे। ऐसा क्यों? शायद वही सबसे अच्छी जगह होगी। उन सबको खाई की दूसरी तरफ रहने को कहना और तुम मेरी तरफ से मेरी बेइज्जती का नजारा देखना, तभी तो तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलेगी ना। उस घाटी में? पर वहाँ क्यों? मुझे क्या पता, शायद वहाँ से नजारे अच्छे दिखते हैं। इसके पीछे कोई चाल है? अरे नहीं शेर खान, इतना बुरा नहीं है, अब तुम भी इतना दिमाग मत दौड़ाओ। अच्छा ठीक है तबाकी, मैं सबको लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। वैसे भूत की महक तो नहीं आती डार्जी, मतलब मोगली जिंदा है, वो यही था, हमें बलू को बताना होगा, चलो जल्दी। का बलू कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, वो घाटी की तरफ गए हैं, शेर खान माफी मांग रहा है। पर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मन नहीं किया। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, एक बहुत ही खास बात कहने के लिए। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मोगली अभी तक जिंदा है, पर बहुत जल्द उसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, भूत आया, मोगली का भूत। अरे छोड़, बेवकूफ, किधर पकड़, उसे, वो भूत नहीं है। बचाओ, जान बाकी। मोगली, हम कहाँ जा रहे हैं बघीरा? बोलो मत, कस के पकड़ो मोगली। किस्मत अच्छी थी, बच गया शेर खान। तुम्हारा शुक्रिया बघीरा, मुझे इस बार भी बचाने के लिए। मोगली! मुझे तुम सबको पहले ही बता देना चाहिए था, माफ करना बलू। अच्छी खबर ये है कि तुम सुरक्षित हो मोगली। लाली! तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा लाली। बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो,
बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू, मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो जल्दी दो, वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा बंदरिया लग रही हो, कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर ही इन्हें पहनते हैं। ये किसका माते हैं? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही लिए गया? बंदर नहीं बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना, इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, ऐसी रोतड़ू सी शक्ल मत बनाओ। बलू तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती है? वहीं जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल, अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बता कर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं, अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना और सवाल नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज सिंहासन क्या होता है? तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू।
बलू मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद है ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कतरी नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ, समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आस पास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली, कैसे दुबक कर सोया है, कहीं इसे बुरे सपने ना आ रहे हो। बलू, ये मोगली नहीं है, वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। क्या नाचती हो? पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं हाँ। मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये है